वो भी एक्सरसाइज के माध्यम से, बेसिकली इट डिपेंड है आपका प्रोनाउन के ऊपर। जैसे हमने कहा ये टॉपिक है आपका सिंटैक्स, ध्यान दीजिए, और सिंटैक्स रिलेटेड किससे है, प्रोनाउन से। अब एक्सरसाइज आपको जो भी करना है, अब एक्सरसाइज पर हम आते हैं, किस पर आते हैं, एक्सरसाइज पर। तो जो एक्सरसाइज हम पहला लेते हैं, आपको ध्यान रखना है, आपको सारे रूल पढ़े होना चाहिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज करते हैं। जैसे लिखा गया, वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। एक सिंपल सा सेंटेंस दिया गया आपको, शायद मैंने नेक्स्ट या इसके पिछले एक्सरसाइज में बताया है, वन इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। वन क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, और इसके लिए कभी भी मतलब हम फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, नहीं मतलब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर का नहीं लगाएंगे, बल्कि इनडेफिनिट प्रोनाउन ही लगाएंगे, और इसका हो जाएगा वंस। क्लियर हो गया? तो क्या हो गया, वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, ये ऑफन आता है मिस्टेक में, और इसको आपको करेक्ट करना है। ठीक है, आप इस सेंटेंस को दोबारा लिखेंगे और उसको करेक्ट करेंगे। दूसरा लिखा गया, लेट यू एंड आई गो देयर, लेट यू एंड आई गो देयर। ठीक, एक सिंपल सा सेंटेंस दे दिया आपको, और आपको लगा कि इसमें लेट का यूज किया गया, ठीक है लेट का यूज है, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेट बार बार चूंकि प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, तो आपको ध्यान रखिए कि वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। देखिए, यू सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, इसका यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट समान होता है, ये तो सही है, लेकिन यहां जहां आई लिखा है ना, आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस है, जबकि हमको चाहिए क्या, ऑब्जेक्टिव केस, तो इसको करेक्ट करेंगे, लिखा जाएगा लेट यू एंड मी गो देयर। सुनिए अगला है, तीसरा सेंटेंस, दोज हु केम लेट, दोज हु केम लेट, दे शुड स्टैंड। क्या लिखा गया, दोज हु केम लेट, दे शुड स्टैंड। ठीक, अब आपको इस सेंटेंस को करेक्ट करना है कि हम इसको किस रूप में करेक्ट कर सकते हैं। लिखा गया, दोस हु केम लेट, ठीक है, दे शुड स्टैंड। Those who came late, they should stand. चलिए ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस अप्रॉक्सिमेट हमको सही लग रहा है, क्योंकि दे शुड स्टैंड यहाँ पर सही है, इसके बाद दोज के बाद हु आया है, हो चुके ये हमारा क्या लिया, पास्ट टेंस सही है, ठीक, इसलिए वर्ब एग्रीमेंट की प्रॉब्लम है नहीं, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही, दोज हु केम लेट दे शुड स्टैंड। ठीक है, ठीक है, ये सेंटेंस को आप क्या करने रहने दीजिए, करेक्ट रहने दीजिए। क्लियर हुआ? अगला सेंटेंस हमारा है, फोर्थ, हु डिड यू पनिश, क्या लिखा गया, हु डिड यू पनिश। क्लियर हुआ? ठीक है, एक सेंटेंस,
ये जो सेंटेंस हमारा ना दोज हु केम लेट, अब इसको करेक्ट ही कर लीजिए क्योंकि अब यहां पर दिमाग स्टक किया। दोज देखिए क्या होता है, किसी की तरफ इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे दोज हमने किया, दोज हु केम लेट, ध्यान दीजिए। अब यहां पर दोज स्टूडेंट्स, ये हमारा हेडन है। अब यहां हम दोज के स्थान पर हमको किसका प्रयोग करना चाहिए था, दे, क्या लिखा जाता है, दे हु केम लेट, दे शुड स्टैंड, या यहां पर हमको एक नाउन का यूज करना चाहिए था, दोज स्टूडेंट्स, क्या हो गया, दोज स्टूडेंट्स हु केम लेट दे शुड स्टैंड। अब या तो सेंटेंस को हम दे हु केम लेट से स्टार्ट करेंगे, या तो हम यहां पर दोज लगाएं, यहां पर अपने मन से एक नाउन जोड़ दें, उस सेंस में आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब समझ में आया आपको, मतलब दोज यहां पर नहीं होगा, या तो दे होगा या तो दोज स्टूडेंट्स, दोज बॉयज, इस सेंस में हम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। क्लियर हुआ, तो आप इसका जो करेक्ट लिख लीजिएगा, दोज स्टूडेंट्स हु केम लेट दे शुड स्टैंड, आप इसको कर लीजिए करेक्ट। ठीक, अगला है, हु डिड यू पनिश। अब देखिए यहां पर सेंटेंस हमारा सिंपल है, हु डिड यू पनिश, इंटरोगेशन मार्क, ठीक है। देखिए हु के बाद क्या है, डिड आया, यू आया, पनिश। चलिए अब क्या है, हु हमारे सब्जेक्ट का भी काम करता है, किसका काम करता है, सब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। यहां पर भी एक चीज क्लियर कर लीजिए, आप लोगों को स्पष्ट कर देता, क्योंकि क्या होता है, एक्सरसाइज बनाते समय बुक में दे तो दिया जाता है, केवल अर्थ परिवर्तन होता है। अब यहां पर क्या लिखा गया, हु डिड पनिश यू, ये हमारा सेंस कर रहा है होम डिड यू पनिश, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हो, होम डिड यू पनिश, ये तो हमारा करेक्ट हो, अब आपको अर्थ पता चल गया। लेकिन जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है, होम को सब्जेक्ट मानती ही नहीं, वो इस रूप में इसको मानती है। अब अगर हम मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग को करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, और ओल्ड इंग्लिश पे जाते हैं हमारा ए सेंटेंस करेक्ट हमको मिलता है। वैसे विवादित प्रश्न आता नहीं है परीक्षा में, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को आप इस रूप में एक तो ये चेंज करके आप सही कर सकते हैं। दूसरा क्या सही हो सकता है, देखिए हु को हम सब्जेक्ट बना ले, हु को हम क्या बना ले, सब्जेक्ट, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ ये सब्जेक्ट भी होता है। यहां पर आपका सेंटेंस लिखा गया हु, अब जहां पर डिड लिखा है ना, डिड को हटाए हम जो पनिश वर्ब लिखी है, इसको हमने लिख दिया क्या, पनिश्ड यू। केवल अर्थ में क्या परिवर्तन हुआ, एक कहा गया होम डिड यू पनिश, किसे आप दंडित किए, आपने किसे दंडित किया, ए हो गया, लेकिन ए क्या हो गया, हु पनिश्ड यू, किसने आपको दंडित किया, दोनों का अर्थ क्या हो गया, चेंज हो गया, ए क्या हो गया, हु पनिश्ड यू, किसने आपको दंडित किया, यहां पर है होम डिड यू पनिश। अब समझ में आए, तो ए सेंटेंस भी हमारा मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन अगर इसको हम वास्तविक रूप में रखना चाहें तो इसका ए अर्थ होता है कि होम डिड यू पनिश, ठीक है, और यही इसका करेक्ट होगा भी, ये भी समझ लीजिएगा, क्योंकि इसको करने से पूरी तरह से सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। अब आया समझ में, तो आप लोग अगर ऐसा सेंटेंस आया है होम डिड यू पनिश, तो आप इसको लिखेंगे होम, मतलब हु डिड यू पनिश को होम डिड यू पनिश के रूप में नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ, अगला सेंटेंस हमारा है, आई हु आर योर फ्रेंड विल हेल्प यू, इसको रफ करते हैं। पांचवा सेंटेंस लिखा गया, आई हु आर योर फ्रेंड विल हेल्प यू। अब देखिए एक सेंटेंस है, ये भी बहुत मिस्टेक क्रिएट करता है, इसको भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। लिखा गया आई हु आर, ठीक है, देखिए हु क्या होता है, एक इंसिडेंट लेता है, चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वर्क करता है, और इसका इंसिडेंट क्या है, आई, और यहां पर आर लगाया गया, आर नहीं होगा क्योंकि हु किसके अनुसार प्रोनाउन मतलब वर्ब लेगा, आई के अनुसार, यहां पर क्या होगा, हु आई एम योर फ्रेंड विल हेल्प यू। अब समझ में आया,